अब अपने इसकी दो साइड हैं LHS और RHS, त्रिकोणमितीय अनुपात में ये करते हैं, ये सभी में आते हैं कंपटीशन लेवल में। तो इसको हल करना है तो सबसे पहले देखो इसका तो केवल मान ही रखना है। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। ये तो हल हो गया, ठीक है, ये हो गई LHS साइड। ये आगे वाली है RHS साइड, इसमें देखो मान रखो 2, cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है √3/2। cos स्क्वायर 30 है तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणा √3 को √3 से करेंगे 3, 2 दूनी 4 और माइनस 1, 1 2 2 2 4 बराबर 3/2 माइनस 1 हो गया। अब अपने क्या करेंगे, बटा में 1 करो, इन दोनों का लघु तुम ले वो 2, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 एकम 2 2, 3 में से 2 गए 1, 1/2। अब ये आ गई RHS। LHS देखो कितनी थी, 1/2, 1/2 बराबर 1/2, तो अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। इसी प्रकार आगे वाला इसका अपने सवाल करते हैं, देखिए देखते जाइए आप आगे वाले सवाल, बड़ा ही सरल है, ये देखने में डर लगता है। अब आगे वाला देखिए सवाल है, ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। LHS साइड तो हल ही है, साइन साठ का मान कितना होता है? √3/2 छोड़ दिया, ये साइड हल हो गई। अब इसको हल करते हैं, 2 ये लगाओ, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है? √3, ठीक है। नीचे देखो 1 + tan²30 √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो 2 एकम 2 2 √3 आ गए, नीचे देखिए अपने हल करेंगे इसको, 1 + 1 एकम 1 1 को 1 से करेंगे √3 को √3 से करेंगे 3, बटा में 1 लगाओ। अब अपने इस लाइन में यहाँ लिख लेते हैं 2/√3 और ये है 3 और 1 का, यहाँ लघुत्तम निकालेंगे कितना आ गया 3, 3 एकम 3 3 3 3 एकम 3 1, तो ये हो गया 4/3। मैं यहीं पे लिख देता हूँ और ये है √2/3, ये 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ हल करते हैं, देखो 2/√3 और ये उल्टा हो जाएगा गुणा 3/4, 1 2 2 2 2 4, ठीक है। अब ये आ गया देखो 3/√3, लेकिन अपना इससे उत्तर मिला नहीं है, देख लीजिए LHS साइड से नहीं मिला ना, तो ये देखो 3 जो होता है उसके 2 गुणनखंड होते हैं √3 और √3, यानी √3 √3 को गुणा करें 3 आते हैं, और 3 के गुणनखंड करेंगे तो √3 और √3 होते हैं। तो मैं इसके 2 गुणनखंड कर देता हूँ, √3 √3 बटा में है 2 √3, या गुणा कर दो चाहे √3 लिख दो ऐसे ही, √3 √3 से √3 काटो, तो आपका आंसर बच गया √3/2। देखो √3/2 मिल गया दोनों, तो ये है √3/√2 और √3/√2 LHS बराबर RHS, इति सिद्धम। इस प्रकार आप इसको लिख दोगे। अब आगे फिर अपने एक सवाल देख लेते हैं, देखिए नहीं तो ये कर लेते हैं, आगे वाला फिर दूसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।